Dear students, a very good morning to one and all. I welcome you all in today's session. In this session, we are going to start the secondary metal manufacturing process. Second is the आपका metal forming process. क्योंकि आपने जो first manufacturing process है आपका casting आपने cover किया last session में, last videos में हमने देखा वहाँ पे casting क्या होती है, आपका pattern क्या होता है, types of pattern क्या होते हैं, pattern allowances क्या होते हैं, cavity क्या होती है, mold क्या होते हैं, कौन कौन से आपका thermal flask कौन कौन से आपका molding flask क्या होते हैं, उसकी जो different terminology है, उसका process है, उसके defects है, advantage, disadvantage, application, ये सारी चीज़ें हमने आपके last videos में हमने discuss किया. जो कहीं ना कहीं आपका कास्टिंग को आपका रेगुलेट करता था. ठीक, फ्रॉम टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसे हम लोग आपका फोर्जिंग भी बोलते हैं. तो फोर्जिंग आपका बेसिकली होता क्या है, देखें यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया गया है. तो यदि मैं बात करूँ आपका कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है या फोर्जिंग क्या होता है, सो फोर्जिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. विच एम्स एट शेपिंग द मेटल इंटू रिक्वायर्ड शेप विद द हेल्प ऑफ डाइज एंड पावर पैक्स. मतलब डाइज और पावर पैक्स की हेल्प से आपका, ठीक है, किसी भी मेटल को आपका शेप देना जो रिक्वायर्ड शेप आप चाहिए वो आपका क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फोर्जिंग. ये सबसे आपका जो जितने भी ओल्डेस्ट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का उनमें से एक है ये. ठीक है, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में क्या होता था, जो फोर्जिंग था एक मैनुअल मेथड था. बट यदि प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे, जब से आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ, इंडस्ट्रियल क्रांति हुई, उसके बाद जो रैपिड जो डेवलपमेंट हुए उसके कारण से आपका जो फोर्जिंग्स में कई सारी मशीन्स आपका इन्वॉल्व हुई. ठीक है, तो फोर्जिंग मशीन जो उनकी कैपेसिटी यदि बात करूँ, जिनकी रेंज आपका एक छोटे छोटे बोल्ट से लेकर के बड़ा से बड़ा शाफ्ट दिया आप यहाँ पे मतलब कि यदि फोर्जिंग के द्वारा यदि आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं. यदि एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपका कोई सही बोल्ट है, डिस्क है, गियर है, टरबाइन डिस्क है, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, वॉल्व बॉडीज़ हैं, तो कोई सभी आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व शेपिंग ऑफ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट विद विच हैव स्मॉल सर्फेस एरिया टू थिकनेस और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. दैट मीन्स इन प्रोसेस में हमका कहाँ पर हम लोग फोर्जिंग का यूज़ करेंगे, आपका अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है. शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस प्रोड्यूस पार्ट्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया टू थिकनेस रेशियो. इन शीट मेटल फॉर्मिंग थिकनेस वेरिएशंस आर नॉट डिजायरेबल. एग्जांपल्स ऑफ शीट मेटल फॉर्मिंग आर बेवरेज कैंस, ऑटोमोबाइल बॉडीज एटसेट्रा. बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस में भी प्राइमरी प्रोसेस सच एज रोलिंग ऑफ इनगॉट्स टू ब्लूम्स और बेलेट्स इन विच द कास्ट मेटल्स इज फॉर्म्ड इन सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल. It is secondary forming. The raw materials such as blooms, billets are converted into finished parts such as gears, wheels, spanners. तो ये सके सारे के सारे के आपका secondary forming में count किए जाते हैं. Now यदि forging की बात करें, forging is deformation process of materials through compressive stress. Compressive load apply करके आपका उसमें stresses induce होंगे, obvious सी बात है, और metal deform करेगा जो required shape चाहिए उसमें हमें ये मिलता है. It is carried out either hot or cold. That means आपका ये आपका क्लासिफिकेशन में हालांकि काउंट होता है. ठीक है, तो एक्चुअली जो वर्किंग होती है दो तरीके की होती है, एक आपका हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग. दैट मीन्स यदि यहाँ पे आप हीटिंग कर रहे हैं, यदि किसी भी बॉडी को आप यदि आपका रूम टेम्परेचर में डिफॉर्म कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, तो किस में काउंट होता है, आपको कोल्ड वर्किंग में काउंट होता है, जो इसका जो टेम्परेचर रेंज रहती है आपका अप टू दैट मीन्स रूम टेम्परेचर में. उसके अपोजिट यदि बात करूँ हॉट फोर्जिंग क्या होती है, हॉट वर्किंग में मेटल जो आपका उसको आप एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका हीटअप करेंगे, आपका टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपका जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, रिक्रिस्टलाइज सॉलिड आपका वहाँ पे जब जनरेट होता है, तो उस टाइम पे आपका उसे उस पर जो हम लोग फॉर्म देते हैं, जो शेप देते हैं, उसे बोलते हैं हॉट वर्किंग. ठीक है, तो यदि आपका फोर्जिंग की बात करेंगे तो फोर्जिंग क्लासिफिकेशन में आपका हॉट फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर यदि देखा जाए तो ये आपका सामने देखने को मिलता है. टाइप्स ऑफ फोर्जिंग यहाँ पे दिया गया है. इन फोर्जिंग द मटेरियल इज डिफॉर्म्ड अप्लाइंग आइदर इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअली लोड. आप सडन या इम्पैक्ट लोड भी दे सकते हैं प्रेस पैक के द्वारा, या आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका स्क्वीजिंग एक्शन के द्वारा भी लोड अप्लाई करते हैं, और जिस शेप में आप लाना चाहते हैं उस शेप में आप मेटल को ऑप्ट करते हैं. Based on the type of loading, forging classified as hammer forging, press forging, drop forging. Hammer forging involves impact load, while press forging involves gradual loads. Based on the nature of the material flow,
and constraint on the flow by the die and punch forging is classified as open die forging, impression die forging and flashing forging. तो इस तरह से कई तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वर्क पीस. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज़ द हॉट फोर्जिंग एंड अनदर वन इज़ द कोल्ड फोर्जिंग. लेकिन इन दोनों का बीच का रेंज देखा जाए तो उसे बोलते हैं हम वार्म फोर्जिंग. तो यदि आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करें थोड़ा सा, यदि कोई नोट करना चाह रहा है लैंग्वेज की, दैट मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉट फोर्जिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग, और यू कैन से दैट द डिफिनीशन ऑफ द हॉट फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग एज वेल एज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फोर्जिंग प्रोसेस. सो यू कैन राइट इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस. कोल्ड फोर्जिंग इज नथिंग बट द इट इज़ परफॉर्म्ड एट और नियरर द रूम टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स सच एज कार्बन एंड स्टैंडर्ड स्टील अलॉयज, एल्युमिनियम एटसेट्रा. इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इज प्रिफर्ड व्हेन द मेटल इज सॉफ्ट. दैट मीन्स हम कोल्ड फोर्जिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले तो आपका रूम टेम्परेचर पे ही हम लोग फोर्जिंग करते हैं, मेटल को आपका फॉर्म करते हैं, वो आपका कोल्ड फोर्जिंग कहलाता है. किन किन मेटल्स पे करते हैं, कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, जैसे कार्बन हो गया और स्टैंडर्ड स्टील अलॉयज हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, दैट मीन जिसमें हमें अधिक फोर्स आपका रिक्वायर्ड ना हो, ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है. और जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं ये भी आपका बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, इसलिए ये जो फोर्जिंग है, जो कोल्ड फोर्जिंग है, वो आपका इनएक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और ये जनरली सॉफ्ट मेटल पे ही हम अप्लाई करते हैं. ओके, द कंपोनेंट ऑब्टेंड हैज़ अ बेटर ओवरऑल सरफेस फिनिश. इससे जो आपको कोल्ड फोर्जिंग से जो आप शेप गेन करते हैं, जो कंपोनेंट आपको मिलता है, वो उसका जो सरफेस फिनिश है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है. यदि मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ तो इसमें आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि इसमें कोई आपका हीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, तुरंत लिया मेटल को आपका और उसको फोर्स अप्लाई करके आपने वो जिस शेप में लाना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो ये टाइम कंज्यूम करेगा. ओके, तो प्रोडक्शन क्या होगा आपका, काफ़ी हाई रहेगा. इम्प्रूव्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कहीं ना कहीं मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हेंस करता है. फ्रिक्शन बिटवीन डाई सरफेस एंड वर्क पीस इज लेस, क्योंकि आपका जो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट आपका यूज नहीं होते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन भी कम ही लगेगा. ईजियर लुब्रिकेशन प्रोसेस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कूलेंट की जरूरत नहीं है तो लुब्रिकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, ईजिली आप लुब्रिकेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं. नो ऑक्सीडेशन और स्केलिंग ऑन द वर्क पीस, ऑब्वियसली बात है जैसे कि हॉट फोर्जिंग में क्या होगा आगे आप देखेंगे, तो हीट के कारण से वहाँ पे क्या होता है, जब कूलिंग करते हैं तो वहाँ पे स्केल्स जनरेट होते हैं, पर स्केल फॉर्म होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको वहाँ पे पुअर सरफेस फिनिश मिलती है, आपको अच्छा टॉलरेंस नहीं मिल पाता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन या स्केलिंग की ऐसा कोई वर्क पीस में होता ही नहीं है. ओके, डिसएडवांटेज देखें क्या है आपका कोल्ड फोर्जिंग में. सबसे पहले आपका जो यहाँ पे विदाउट हीटिंग आप किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, इस फोर्स का अपोज करते हुए बॉडी उसमें रेसिडुअल आपका स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं आपका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर. ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है. सेकेंडरी जो इक्विपमेंट्स आपका रिक्वायर्ड हैं आपका, वो काफ़ी हैवियर एंड मोर पावरफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि आपका इसमें सेप प्रोवाइड करने के लिए आपको हैवियर आपका जैसे हैमर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, पावर पैक्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आपका ये ग्रेन साइज आपका, क्योंकि ये दैट मीन्स ऐसा नहीं है आपका हीटेड तो है नहीं आपका कि ईजिली आपको ये डिफॉर्म कर जाएगा, तो इसलिए आपको हैवियर लोड देना पड़ता है. थर्ड वन इज़ द स्ट्रॉन्गर टूलिंग इज नीडेड. ऑब्वियस बात है जो इक्विपमेंट है, जो टूल्स हैं आपका, वो आपका स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ आपका सफिशियंट होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप जब उसमें हैमरिंग कर रहे हैं पर चला हैमर ही डिफॉर्म कर गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. एंड फोर्थ वन इज़ द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल इज क्रिटिकल. दैट मीन जो आपका टूल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ओके, चाहे आपका डाइज हो आपका, चाहे होल्डिंग इक्विपमेंट हो, इन सब में आपका क्या होते हैं, इनकी आपका एक जो डिज़ाइनिंग है वो भी आपका डिज़ाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग वो काफ़ी क्रिटिकल रहती है. तो ये था आपका किसके बारे में, कोल्ड फोर्जिंग के बारे में. यदि मैं बात करूँ वार्म फोर्जिंग में, जो कि आपका हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग के बीच का जो रीजन होता है, दैट इज़ नोन एज द वार्म फोर्जिंग. ये मेथड जो आपका बेसिकली जो प्रिफर करते हैं, इसमें जो टेम्परेचर रेंज रहता है, दैट इज़ बिटवीन द रूम टेम्परेचर एंड अप टू द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. दैट मीन्स दिस मेथड इज़ परफॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर विच रेंजेज बिटवीन रूम टेम्परेचर एंड अप टू द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ओके, कोल्ड फोर्जिंग हैज़ पोटेंशियल एडवांटेज दैट इट रिड्यूसेज टूलिंग लोड्स एंड प्री लोड्स. ओके, ये आपका मेन आपका स्ट्रेंथ है. इम्प्रूव्स स्टील डक्टिलिटी एंड एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एनीलिंग प्री और टू फोर्जिंग ओवर कोल्ड फोर्जिंग. ओके,
कोल्ड फोर्जिंग के कंपैरिजन में आपका यहाँ कहीं ना कहीं क्या करता है, आपका एनिलिंग को आपका एलिमिनेट करता है, दैट मीन्स मटेरियल की माने डक्टिलिटी को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये ऑलरेडी मटेरियल आपका सॉफ्ट ही आपको मिलता है, तो ये आपका एडवांटेज है आपका वॉर्म फोर्जिंग।